नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर गोयल और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। दोस्तों आज भी हम आपको जो है ऑटो एक्सपो के अंदर अलग अलग तरीके की जो कंपनियों की तरफ से गाड़ियां यहां पर डिस्प्ले के लिए लगाई गई हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम जो है BYD के पवेलियन के अंदर हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संजय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका अमर उजाला। नमस्कार 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 अमर जी। सर अभी जैसे ऑटो एक्सपो के अंदर कंपनी ने एक सेडान कार यहाँ पर अनवील की है, आपने एक लिमिटेड एडिशन एटो 3 को यहाँ पर लॉन्च किया है, तो दोनों ही गाड़ी के बारे में एक एक करके आप पहले डिटेल्स बताएं। हाँ, ये हमने BYD सील जो है प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान हमने अनवील किया है। इसका कमर्शियल लॉन्च जो है दिवाली सीजन मतलब अक्टूबर 2023 में हम लोग ऑफिशियली कमर्शियल लॉन्च शुरू होगा, डिलीवरीज भी उसी टाइम शुरू होगा इंडिया में। इसका खासियत ये है, ये हमारा प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान है, इसमें 82 किलोवाट का बैटरी है, इसका रेंज जो है 700 किलोमीटर है। इसमें ब्लेड बैटरी और ई प्लेटफॉर्म तो है ही है, लेकिन इसमें एक और अलग टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम सेल टू बॉडी टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है हम लोग बैटरी को हमने चेसिस के अंदर पैक कर दिया है, सैंडविच स्ट्रक्चर कर दिया है। इससे हमें क्या होता है, सेफ्टी बहुत बढ़ जाता है, इसका रिजिडिटी जो है हैंडलिंग जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है विंड रेसिस्टेंस सबसे लोवेस्ट है, 0.219 है। इसके कारण हमारा 0 to 100 3.8 सेकेंड्स में अचीव हो जाता है, जैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कार जैसे हो जाता है। इसका ये जो सेफ्टी है बिकॉज ऑफ दी C2B टेक्नोलॉजी काफ़ी 50% से ज़्यादा हो जाता है फ्रंटल इम्पैक्ट पे और साइड इम्पैक्ट पे। ये हम अक्टूबर में डिलीवरीज चालू करेंगे। सर दूसरा आपने ऑटो 3 का लिमिटेड एडिशन यहाँ पर जो है लॉन्च किया है, उसकी भी थोड़ा सा आप डिटेल दें। तो हमने ऑलरेडी ऑटो 3 हमने अक्टूबर में लॉन्च कर दिए थे, बुकिंग्स चालू कर दिए थे, 2000 बुकिंग्स आया है, हमने डिलीवरीज चालू कर दिया था, वो वाला 4 कलर में थे। हमने इस साल हमने इसको फॉरेस्ट ग्रीन करके स्पेशल एडिशन कलर करीब 1200 यूनिट हम देंगे इस साल, स्पेशल एडिशन करके लॉन्च किया है 34.49 लाख में। ये कलर थोड़ा अलग है, ग्रीन है, यू नो ग्रीन एनर्जी, यू नो एनवायरनमेंट सब कुछ ये करता है, और ये अलग ग्रीन है, फॉरेस्ट ग्रीन बोलते हैं, इसलिए हमने कस्टमर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए और थोड़ा सा ब्रांड बनाने के लिए हमने ये लॉन्च किया है। ये भी ई प्लेटफॉर्म और ब्लेड बैटरी के साथ आता है, इसका 60 किलोवाट आवर बैटरी है, इसका रेंज जो है ARI का टेस्टेड रेंज 521 किलोमीटर है, इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स है, BYD डी पायलट अडास लेवल 2 सनरूफ, 7 एयरबैग, सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ जो पहले ऑटो 3 में था सेम फीचर्स के साथ आता है, सिर्फ कलर स्पेशल कलर है। सर अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे एक्सपेंशन की इंडिया में, क्योंकि आप इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए नई जो है कंपनी है यहाँ पर, पहले से और काफ़ी बड़ी बड़ी पुरानी कंपनियाँ यहाँ मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टाटा फ़िलहाल जो है सबसे ज़्यादा बड़े पोर्टफोलियो के साथ में और बजट कार्स के अंदर में लोगों को ऑफ़र करता है, तो इस हिसाब से मैं मतलब आपकी BYD की तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है इंडिया को लेकर के और बजट व्हीकल्स को लेकर के। अभी तो हम लोग इस साल और अगले दो तीन साल हम लोग इसको स्टेबलाइज करना है, ब्रांड को बनाना है। इस साल हम 15,000 गाड़ी बेचने का हमारा प्लान है इस साल पूरा। हमारा जो टच पॉइंट्स है, डीलर टच पॉइंट्स है, वो करीब 53 टच पॉइंट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया इस साल एंड तक, अभी 24 टच पॉइंट्स है। तो हमें कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी, बैटरी, वो सब कुछ हमें इस अगले 2 साल बताना है। हम लोग लॉन्ग टर्म गोल से हमारा 2030 तक हमें 40% EV में मार्केट शेयर लाना है, वो हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग ग्लोबली हम लोग सबसे बड़ा प्लेयर है EV में। लास्ट ईयर हमने ग्लोबली NEV ग्लोबली कैलेंडर ईयर 2020 में हमने ग्लोबली करीब 18 लाख गाड़ियाँ बेची है, तो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग ग्लोबली नंबर 1 प्लेयर है, तो इंडिया में भी हम लोग एग्रेसिव प्लान्स लेके आएंगे। सर अभी जैसे मैं बात करूं, आप ऑलरेडी 2 गाड़ियां इंडिया में अपनी सेल करते हैं, अब तीसरी E6 भी है, और उसके बाद अब आप सील को जो है यहां पर अनवील कर चुके हैं। आपने बताया कि क्वार्टर फोर के अंदर आप लोग दिवाली के आसपास बेसिकली इस गाड़ी को जो है इंडिया में कमर्शियल लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि और कौन सी गाड़ी है जो आने वाले टाइम में BYD की तरफ से देखने को मिल सकती है। हम लोग अभी
तो अभी हम लोग किस हिसाब से मार्केट है, किस हिसाब से मार्केट का डिमांड है, हमारा ग्लोबल लाइनअप पे काफ़ी सारा गाड़ियां है, तो जो हमें जिसके डिमांड के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी गाड़ी हम ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी गाड़ियां ग्लोबल लाइनअप पे है। तो लेकिन मार्केट कैसे जा रहा है, स्मॉल एसयूवी में जा रहा है, बिग एसयूवी में जा रहा है, सेडान या स्मॉल हैचबैक में जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग प्लान करके आगे वाले सालों में हम लाएंगे, ताकि हम 2030 तक हम लोग 40% ईवी शेयर ले लें। तो ये थे हमारे साथ BYD की तरफ से मिस्टर संजय, जिन्होंने हमें कंपनी की फ्यूचर पॉलिसीज़ के साथ साथ इस नई सेडान कार के बारे में भी बताया कि ये गाड़ी जो है काफ़ी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और अगर आप लोग भी इस गाड़ी को देखते हैं, आपको पसंद आती है, तो आप निश्चित तौर पर अपने लिए भी ये गाड़ी खरीद सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत और बाकी सारी जानकारी जो है कंपनी समय समय पर हमें देती रहेगी और हमारे ज़रिए हम आपको देते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।